स्मार्ट सिटी में चल रही थी गैस रिफिलिंग फैक्ट्री, 95 गैस सिलेंडर रिफिलिंग की मशीनें तोल कांटे और 3 लोडिंग ऑटो जब्त। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। राजधानी भोपाल के स्मार्ट सिटी एरिया स्थित 2 टूटे सरकारी क्वार्टर, 3 शेड वैन और 2 लोडिंग गाड़ियों में घरेलू गैस सिलेंडर का जखीरा मिला है। खाद्य विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए कुल 95 सिलेंडर जब्त किए हैं। इनमें 65 सिलेंडर भरे थे। मौके पर खड़ी मिली एक लोडिंग गाड़ी न्यू मार्केट स्थित बुक एंड कुक गैस एजेंसी की है, इसलिए खाद्य विभाग की टीम एजेंसी पर भी पहुंची है। टीटी नगर में प्लैटिनम प्लाजा के ठीक सामने स्मार्ट सिटी एरिया में टूटे सरकारी क्वार्टर है। जिला आपूर्ति अधिकारी मीना मालाकर, सहायक आपूर्ति अधिकारी भानु प्रकाश शर्मा को सूचना मिली कि इन टूटे क्वार्टरों में घरेलू गैस सिलेंडर का जखीरा है और यहाँ पर अवैध तरीके से कारों ऑटो में गैस रिफिलिंग की जा रही है। इसके बाद सुबह 9:30 बजे जिला आपूर्ति अधिकारी मालाकार के नेतृत्व में सहायक आपूर्ति अधिकारी शर्मा एवं टीम मौके पर पहुंच गई। सहायक आपूर्ति अधिकारी शर्मा ने बताया कि टूटे सरकारी क्वार्टर से गैस रिफिलिंग की शिकायतें मिल रही थी, इसलिए बुधवार सुबह यहां पर दबिश दी गई। जब जांच की गई तो 2 टूटे क्वार्टर और 1 वैन में कुल 55 सिलेंडर रखे थे। 3 सिलेंडर से रिफिलिंग की जा रही थी। 3 ऑटो गैस डलवाने आए थे। ऑटो के साथ वैन इलेक्ट्रिक तोल कांटे और रिफिलिंग की मशीनें भी जब्त की गई हैं। कुल 55 सिलेंडर में से 45 भरे, 3 आंशिक भरे और 7 खाली थे। मौके पर मिली गैस एजेंसी की गाड़ी। कार्रवाई के दौरान ही मौके पर गैस एजेंसी बुक एंड कुक न्यू मार्केट का एक वाहन खड़ा था। गाड़ी में कुल 40 सिलेंडर थे, जिनमें 20 भरे और 20 खाली थे। पहले 4 बार हो चुकी कार्रवाई। टूटे क्वार्टर और खुले में बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से गैस रिफिलिंग का धंधा चल रहा था। सहायक आपूर्ति अधिकारी शर्मा ने बताया कि पहले भी 4 बार कार्रवाई कर चुके हैं, लेकिन अवैध कारोबार बंद नहीं किया जाता। इस बार कड़ी कार्रवाई की जा रही है। सोर्स का पता भी लगा रहे हैं कि आखिर यहाँ पर इतनी ज्यादा मात्रा में सिलेंडर आए कैसे। एजेंसी भी जाँच कर रही है। एजेंसी की गाड़ी में ड्राइवर सिलेंडर लेकर यहाँ पहुंचा था। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।